हेलो एवरीवन। तो पाइथन सीखने की सीरीज को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और आज का टॉपिक रहने वाला है बूलियन। ठीक है, तो पाइथन में बूलियन को समझने वाले हैं। तो क्या होता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग क्या चाहते हैं कि कुछ कंडीशंस को चेक करना है। ठीक है, चेक क्या करना है कि वो पर्टिकुलर कंडीशन क्या है, ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, एंड उसके बेसिस पे हम लोग को क्या करना है, क्योंकि कुछ एक्शन परफॉर्म करना है। मान लो कि ट्रू है तो एक सेट ऑफ कोड चलेगा, अगर फॉल्स है तो अनदर सेट ऑफ कोड चलेगा। ठीक है, तो पाइथन क्या करता है, प्रोवाइड करता है बूलियन डेटा टाइप टू रिप्रेजेंट ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, पाइथन क्या करता है, तो पाइथन बुलियन डेटा टाइप प्रोवाइड करता है टू रिप्रेजेंट ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं यहाँ पे। तो ट्रू का कैपिटल टी कैपिटल होता है एंड फॉल्स का भी क्या होता है, एफ कैपिटल होता है। ठीक है, तो ये बुलियन डेटा टाइप है जो हमें ट्रू एंड फॉल्स प्रोवाइड करते हैं। तो कब ट्रू होता है, मान लो कि अब एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं कि 45 इज ग्रेटर देन 40, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। यस, 45 ग्रेटर देन 40 है। अगर देखते हैं कि 12 इज ग्रेटर देन 45, तो ये क्या रिटर्न करेगा सर, ये आपका फॉल्स रिटर्न करेगा। क्या 12 45 से बड़ा है, नहीं, तो ये क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। वही क्या करेगा, इज 45 12 इज 12 इज लेस देन 45। ठीक है, तो यस 12 छोटा है 45 से, तो ये क्या रिटर्न करेगा, यहाँ पे ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, तो ये सारे कंडीशनल आपके ब्लॉक है जो आपका डिसाइड करता है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। उसके बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं कि कुछ कोड कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर स्टेटमेंट, अगर वो जो पर्टिकुलर कोड है, पर्टिकुलर स्टेटमेंट है, अगर वो ट्रू रिटर्न करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रू थी। क्या बोलते हैं, अगर ये ट्रू रिटर्न करता है तो इसको बोलते हैं ट्रू थी, ट्रू थी। और अगर ये फॉल्स रिटर्न करता है इसको बोलते हैं फॉल्स ही। ठीक है, तो पाइथन में क्या है कि कुछ यू नो प्री डिफाइंड फॉल्सेस, फॉल्स ही डिफाइंड है पाइथन में। ठीक है, तो क्या होते हैं, तो ये होता है आपका नंबर जीरो। नंबर जीरो क्या है, ये हमेशा फॉल्स होगा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये फॉल्स रहता है, नंबर जीरो फॉल्स है। तो यहाँ पे फॉल्सी लिस्ट में देता हूँ आपको। ठीक है, कुछ फॉल्सी लिस्ट है जो पाइथन हमें पहले से ही देता है कि ये सारे आपको क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे फॉल्स। तो नंबर जीरो आपको रिटर्न होगा। अगर आप फॉल्स लिखते हो तो ऑलरेडी फॉल्स तो फॉल्स ही रहने वाला है। ठीक है, नन क्या है, नन भी आपका एक फॉल्स ही है। ठीक है, एम्प्टी स्ट्रिंग आपका फॉल्स ही है। एम्प्टी लिस्ट आपका फॉल्स ही है। ठीक है, ये सारे लिस्ट लिस्ट के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, एम्प्टी एम्प्टी टपल्स जो है आपका, वो भी आपका फॉल्स ही होगा। टपल्स को हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं। ठीक है, एंड एम्प्टी डिक्शनरी जो है, ठीक है, डिक्शनरी एम्प्टी डिक्शनरी जो है वो भी आपका क्या होता है कि फॉल्स ही रिटर्न करता है। ठीक है, तो एक लिस्ट क्या है, टपल्स क्या है, डिक्शनरी क्या, आने वाले टॉपिक्स में हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ने वाले, तभी के लिए समझ कर रखो कि ये सारे जो आपका बाय डिफॉल्ट फॉल्स ही है। ठीक है, तो अभी हम लोग प्रोग्राम पे चलते हैं। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि फाइंड आउट कैसे करना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, पाइथन में तो टू फाइंड आउट इफ वैल्यू इज ट्रू और फॉल्स, ठीक है, हम लोग यूज कर सकते हैं क्या, बूल फंक्शन। क्या यूज कर सकते हैं, बूल बूल फंक्शन। ये क्या एक बूल फंक्शन है, ये क्या करता है, ये आपको आइडेंटिफाई करके देता है कि जो स्टेटमेंट है वो आपका ट्रू है या फॉल्स है। तो इसके 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 हेल्प से हम लोग समझते हैं कि ये सारे जो अभी हम लोगों ने देखा है वो सही है या नहीं। ठीक है, तो जितने भी यहाँ पे लिस्टेड है ये आपका क्या है, फॉल्स ही लिस्ट है, और जो यहाँ पे लिस्टेड नहीं है वो सब क्या आपका ट्रू ही लिस्ट है। ठीक है, तो हम लोग अभी चलते हैं अपना प्रोग्राम की ओर। ठीक है, तो मैं जुपिटर नोटबुक को ओपन करता हूँ और यहाँ पर हम लोग पिछले टॉपिक में पढ़े थे पाइथन नंबर, इस पर हम लोग एक और न्यू सेल बनाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग कमेंट्स लिखते हैं। कमेंट्स में क्या देते हैं कि पाइथन बुलियन। ठीक है, पाइथन बुलियन। ठीक है, तो अभी हम लोग समझते हैं कि बूल फंक्शन का यूज करना है, राइट। तो हम लोग करते हैं प्रिंट ऑफ बूल। ठीक है, तो प्रिंट बूल, और यहाँ पे हम लोग एम्प्टी स्ट्रिंग से चलते हैं और जीरो से चलते हैं। चलो जीरो लिए, पहले हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा था, जीरो इसको रिटर्न करेगा क्या, ये फॉल्स। ठीक है, ये क्या रिटर्न किया, फॉल्स। अभी दूसरा लेते हैं एग्जाम्पल्स हम लोग। दूसरा अपने पास क्या था, अपना नोटपैड में चलते हैं, दूसरा क्या था अपना पास, फॉल्स। अगर आप डायरेक्टली यहाँ पे फॉल्स लिखते हो, ठीक है, अगर यहाँ पे आप सिर्फ फॉल्स लिखते हो तो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे नन लिखते हो, ठीक है, एन ओ एन ई, तो अभी क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे क्या करते हो, एम्प्टी लिस्ट लेते हो, तो ये ब्रैकेट आपका क्या है, लिस्ट डिनोट करता है, तो यहाँ पे एम्प्टी है, ये भी क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, अगर हम टपल्स को लेते हैं, ठीक है, तो टपल्स क्या होता है, एक ब्रैकेट होता है, ये भी आपका फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, और अगर मैं डिक्शनरी को लेता हूँ तो डिक्शनरी भी मेरा क्या होगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, तो ये सारे क्या आपका फॉल्स है, इसके अलावा जो भी वो आपका ट्रू के अंदर आते हैं। ठीक है, तो मान लो कि हम लोग देखते हैं कि नंबर इक्वल टू लेते हैं 34 एंड बोलते हैं कि इफ़ नंबर इज ग्रेटर देन 30, ठीक है, देन प्रिंट ट्रू।
ठीक है, देन प्रिंट ट्रू, एल्स एल्स प्रिंट व्हाट फॉल्स, ठीक है। तो देखो क्या रिटर्न करता है, ए ट्रू रिटर्न कर रहा है। ट्रू क्यों रिटर्न कर रहा है, क्योंकि 34 इज ग्रेटर देन 30, ठीक है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है बुलियन का, जहाँ पे भी आपको ट्रू फॉल्स जानना है आप हम लोग वहाँ पे बूल फंक्शन का आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।